तो लें जी माशाल्लाह भाई रियाज साहब अपना माल अपने हाथों से चेक करवाने लगे हैं और अच्छी तरह माशाल्लाह गाइड करने लगे हैं और दिखाएंगे माल क्वालिटी वाइज जिस तरह ये आपके सामने है इसी तरह भाई रियाज साहब बताएंगे नस्लें वगैरह। तो चलें भाई रियाज साहब अपना माल जो है चेक करवाते हैं। खुद से कटियां और जोटियां भाई रियाज खुद चेक करवाते हैं जी। तो भाई रियाज के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रियाज भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई, खुशबाश हो। अल्लाह पाक के साथ। अच्छा रियाज भाई, सबसे पहले तो जरा एड्रेस बता दे दोस्तों को, यारों सजना ने। जी बिल्कुल, एड्रेस मेरा शहर शेखपुरे वाले 32 चौंक दे जो आ जाने ना। जी जी, शेखपुरे वाले 32 चौंक। ठीक है, फैसलाबाद रोड दे उत्ते मुड़ना है। अच्छा जी, आधा किलोमीटर अगे आना ते राइयां वाली पुली आ जाए। राइयां वाली पुली? हां जी, राइयां वाली पुली तो पुछ लेना बाजार पैंपा वाला। ठीक है, जिन्हों को मर्जी पूछ लो। जिन्हों को मर्जी पूछ लेना, इंशाल्लाह पता लग जाएगा पैंपा वाले बाजार है जो आने मेरा पता लग जाएगा। राइयां वाली पुली तो आके पैंपा वाला बाजार। ठीक होगा। ले जी दोस्तों, ये तो था रियाज भाई का एड्रेस। तो अब आपको जानवर दिखाते हैं। रियाज भाई का चेक करो दोस्तों को जानवर। हां जी महिला हेड दिखाओ मेरी छोटियां दी। अच्छा जी, फिर मैं उम्र दिखाना है दोस्तों। ले जी दोस्तों, ये बैग देखे और हाइट चेक करें। माशाल्लाह ये देखिए, ये चेक करें जी छोटियां कटियां रियाज भाई के पास। आपको तफसील से डिटेल के साथ वेट देखो। अच्छा, कटी दी उम्र देखो। माशाल्लाह दोंदी दोंदी कटी प्योर दोंदी। सही हो गया, थोड़ा इन वेट बखान नाल कर पीछे वेट दी दोस्तों मुंह से। ये माशाल्लाह खूबसूरत और क्वालिटी वाइज खूबसूरत क्वालिटी। अच्छा जी, हां जी, अल्लाह हुक्म लाजवाब डंगर लिया के दोस्तों ने दे दे। ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, ये आपके कर सकते हैं कालियां काले सिर सारीयां कटियां। सही हो गया। नीली दा भी क्यों? नीली दा प्योर नीली की और ओके थोड़ी कर ले बैग की बंद करी यार। मुंह से सुनिए जी दोस्तों, जिस तरह का कोई जानवर कहे दोस्त के खीरी चाहिए दोंदी चाहिए उस तरह का मिलेगा रियाज भाई के पास। ख्वाहिश अपनी मर्जी जी, ख्वाहिश अपनी मर्जी जी। जानवर होगा जी आपकी अपनी चाल डाल चेक कर ले, नस्ल चेक कर ले, मोटी ताजी माशाल्लाह खूबसूरत है। तो ये देख सकते हैं जी दोस्तों। और अच्छा रियाज भाई, जरा रेट बताए कि दोस्त आपसे खरीदना चाहे तो क्या रेट है जी? क्या जी रेट मेरा 250 रुपये किलो छोटी का रेट है जी। जी छोटा कट्टा जरा 210 रुपये किलो छोटा कट्टा। छोटा कट्टा फार्म वाला पालना। ठीक हो गया। जेडी कट्टी है छोटी 200 किलो वाली जी जी, उंदा 240। उंदा 240। बच्ची बच्चा 270। बच्ची बच्चा 270। हां जी, प्योर साहीवाल लाल रंग वाला। ठीक है। अच्छा रियाज भाई, जो रेट आपने बताया इसमें कली कली लिया पीछे, इसमें पहुंच भी शामिल है? हां जी, जो 12 लवे 25 लवे 300 किलोमीटर तक किराया। सही। अच्छा दोस्त अगर आपसे एक खरीदे दो खरीदे तीन खरीदे उसका किराया अपना होगा? हां जी। ठीक होगा। ले जी दोस्तों, ये आप चेक करें जी अकेली के लिए चेक करें। अच्छा जब मैं एक दो देना नहीं, फिर दोस्त कहीं लामे देने सी। लामे दे लिया तो भाई रियाज एक दो वाले बंदे, मैं कहा चलो आओ जनाब। ले जी दोस्तों, ये आप चाल डाल चेक करें इनकी, माशाल्लाह हेल्थी है जी। आओ 5 किलो दिखाइए दोस्तों। ले जी दोस्तों, अब आपको यार उससे मिट्टी लग गई है चेक कर लेंगे माशाल्लाह। और बैग से भी आपको चेक करवाते हैं, चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए ये बैग देखे जी इनकी, और तसल्ली करें माशाल्लाह क्या बात है, खूबसूरत माल है। 1000 चोटी दी वीडियो इत्थे विखावांगे। अच्छा 1000 चोटी दी। 1000 दी? 1000 दी इत्थे वीडियो विखावेगा अपराध। लोग जदों फार्म जाके मालका ने लवेगी ओदों भी चेक करावांगे इंशाल्लाह जी। अच्छा रियाज भाई, 1000 चोटी दी वीडियो तुसीं माशाल्लाह कह रहे हो, विखावांगे इंशाल्लाह जनाब। वीडियो बनेगी किवें? असीं फिर किते बनावांगे तोड़ फार्म तक गड्डी अगे लावांगे, मगर गड्डियां माल दीआं जाणगीआं मालका ने फार्म लाण तक वीडियो बनेगी। क्या बात है, वाह, दोस्तां नूं विखावांगे। लो जी चैलेंज है। और दोस्तों आप चेक कर ले जरा भाई, चैलेंज जी बिल्कुल दिखावा। जी 150 बच्चे की गल की है ना? हाँ जी हाँ जी, सारे वाम नु विखावांगे। ठीक हो गया। ले जी दोस्तों, चाल डाल भी आप चेक करें इनकी, और 5 कलियां जिस तरह का आप कहें आपको मिलेगा। अच्छा रियाज भाई, उन्होंने कहा कि भाई 3 बच्चे ले जाने ने, उन्होंने कहा भाई साडा तुम्हें 100 क्या साडा बच्चा तो 150 कर। अच्छा जी, 150 बच्चा छोटा कर, 30 बच्चे फिर उन्होंने यानी कि 180 बच्चा उन्होंने कहा 180। हां फिर उन्होंने टाइम 5-4 दिन और बता गया, यानी कि 30 तारीख लाजमन दोस्तों विखावांगा। ठीक हो गया। 80 बच्चा बता दिता जी, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ये बताएं कि आपके पास अगर कोई दोस्त फार्मिंग करना चाह रहा है जी जी, और वो चाहता है कि मैं गारंटी करा ते एक नंबर माल लेना जी जी, जनाब थोड़ा रब्ता करे इंशाल्लाह करे मिलेगा गारंटी वाला। अच्छा तो की तुसी जनाब वैरायटी रखते हो जरा भी दसो। गारंटी दे के बच्चा को पेट बदेला डंगर नहीं देंगे, एक डंगर उन्होंने पेट बदे वाले वो नहीं देंगे। ठीक
ज्यादा उम्र होती डंगर ने उम्र बधाई होती है तो सिर्फ ना वजन नहीं बताया होता। ठीक है ना, अभी वजन बताने डंगर दया उम्र बताने वाले नहीं देना। ठीक है, फिर दूसरा है कोई डंगर बीमार हो गया मेरा कर गया कोई उन्हें चाहे नुकस निकले चोटियां मेरे दिन बाहर निकले कोई त्रुई हुई निकले वो मेरी। हाँ जी, मेरी तीन दिन तक मेरी कोई नुकस ऐप निकले कर गई मेरी। ठीक है ना, जो डंगर पानी वगैरह कोई आया हो कर जाके पट्ठे नहीं खाता। मेरा लान है जरा पट्ठे डंगर तीन दिन तक ना कर खावे मेरे घर कल दिन कराया मेरा। फिर माल लैन आवन ना माल अपने आने तो भी पहले दो दिन बेशक मेरे घर आ सकते हैं। अच्छा, जो माल मेरे को आना होंगे ना उस दो दिन पहले इतने आ जाए। ठीक है, जा माल तू गड्डी उतरे अपना ला के सैड बड़ी अच्छी गलती है सौ किलो या सवा किलो। सर मैं 15-20 किलो चोटी नु पानी नाल ना पिया के ना चोटी नु सुबह बचा के बखावा। ठीक है, चोटी नु सुबह बचा के बखावा। ठीक है ना, बच जाएगी बचोनी तो मेरे अल्लाह ने ना बीमार हो जाएगी ना सही पानी सटी जाएगी मुंह पानी सुटी जाएगी सिर थले छड़ के बह रहे। ठीक होगा, जानवर तीन दिन तक मेरा डंगर पट्ठे ही ना खावे तो मेरा अगली गल बीमारी तो वखरी है ना पट्ठे ही ना खावे। जबरदस्त। अच्छा तो रियाज भाई थोड़े को बच्चे लेने होने बच्चे भी मिल जाएंगे। बच्चों का मतलब केड़ी रेंज है थोड़े को मिल जाएंगे? रेंज अपनी मर्जी ना कम 200 किलो तक लाके 400 किलो तक बच्चा मंगन दे। ठीक है, 200 किलो तक लाए तो 400 किलो तक 270 रुपए किलो दे जिंदे च पहुंच शाम। हां, तीन दिन पहले बयाना बनांगा 1000 रुपया फी जानवर दा केड़ा भी लगेगा। ठीक है, तीन दिन बाद उनका ऑर्डर पूरा लाजम होगा। तो भी उनकी मन पसंद डिमांड पूरी है। मन पसंद? हां जी, ना मन पसंद होवे ना लाजम। जो आखन भरा सुखा माल फंडर सारा मिलेगा दुध आले माल जरा दुध जो देने लिया रही उन्होंने बगैर सही होगा। अच्छा, जिस तरह के मतलब जड़ा भी जानवर चाहिए फंडर सुखा दसना है भाई ने कि मेनू एस रेंज दा चाहिए एस वजन दा चाहिए। हां जी, वो 5-10 किलो दा फर्क पै सकदा है। 10 किलो अग्गा पीछे हो जांदा। हां जी, तो बकाया जरा रेंज उन्होंने आ भी दसनी ना कि मेनू एस वजन दा माल चाहिए उस पे ही मिलेगा। अगर ओवें ही मिलेगा उस हिसाब नाल ही मिलेगा। अनमोल जी नसल मंगन एक सहज सारा हूं मैं आधार झूठी गल नहीं सारे ऑर्डर के एक सहज एक क्वालिटी होनी जी मैं लोगों को विखावगा एक क्वालिटी कलांगे वाम विखावगा बाकी रियाज एक क्वालिटी दे सकते जो आधार झूठ का बयाना तैयार को फड़िया तो सही गल करके आधार झूठ का जिन्हें बयाना दिता है नहीं दिता। अच्छा रियाज भाई थोड़ा कट्टी का चोटी का रेट है 250 रुपए किलो इन 300 किलोमीटर तक 300 किलोमीटर तक किराया मेरा किराया टोटल। हाँ जी, कोई 2-4 किलो का वादा घाटा हो तो फिर छड़ दे। ठीक, कोई गल नहीं दोस्तों, जरा 12 लवे जरा 25 लवे लोधरा तू बंदा आया जी मेरे को राती ने मेनू क्या दो तीन दिन लैनी है। बेफिक्र होकर जा सकते कर दे मैं उन्होंने आप घर होना ना मेरा जरूरी है दिल्ली मेहमान माशाल्लाह बड़ी गल है बस इतने बैठा रहे सारी दिन।
एक दोस्त नूं चाहीदियां ने, दूसरा कमेंट कीता सी कहिंदा सी मैनूं चाहीदियां ने 200 सवा 200 किलो वालियां 10 बोरियां चाहीदियां। 150 किलो वाली व्याकरण मिल जाएगी। अच्छा बोरियां, बोरियां मिलणगियां ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਜੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਸਲ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਸਲ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਲਾ ਪਾ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਵੇ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜੋਗ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 250 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੀ ਜੀ 270 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਆਨਾ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਫੜ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 270 ਲੈ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਪਵਾਵਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਣ, 270 ਹੀ ਦੇਵਣ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਧਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਦੇਵਣ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਬਾਈ, ਭਜਨ ਦਾ ਲਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਝੀ ਗਿਆ? अच्छा रियाज भाई, एक हमारे दोस्त हैं राजा उस्मान जी जी, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें प्योर ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन जो बछड़ियाँ होती हैं, गायें होती हैं, वो अगर चाहिए हो तो वो मिल जाएंगी? ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन क्रॉस? फ्रीजियन बछड़ियाँ नहीं मेरे को मिलती हैं। अच्छा जी, मेरे को सही वाल माल जिवें ना मंगेंगे, लाल सुरख माल होता ना बन चलर वाला जी जी, कोना माल जी, पोपट वो देंगे। जो फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन बछड़ियाँ ने मैं लिया इधर लुडन वाली मंडिया तो माल ठीक आरा वाले खरीद के, उधर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन जड़ियाँ ना मैंने नहीं लगभग पाकिस्तानी माल देंगे मौसम के नाल रह सकता है, जिते मरी चराई करान मेरे माल नु चराई करान तूड़ी जा पान पठे पान ना खवन मेरा कर कर दे। दूसरा सवाल किया, एक दोस्त ने मलक अमीन नाम है, क्या है कि अगर जिस तरह की अपनी दसा ही पिछली वीडियो के चने का छिलका, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, ए जेड़ा फार्मूला है कटिया नु दियो ते जनाब ग्रोथ अच्छी कर दे वजन दा, तो भाई मलक अमीन ने क्वेश्चन कीता है कि ए जेड़ा फार्मूला है बच्चा ते भी कर सकदे? बिल्कुल ही, बच्चा ज्यादा वधेगा। अच्छा जी, कटे नु बच्चा ज्यादा ग्रोथ करेगा, चीज पाके देवे ठीक हो, एक पूरी पाके वेख 8 दिन बाद फिर कमेंट कर देन करे आज तो सही दसया गलत दसया, जबरदस्त ठीक है ना। ए 8 दिन तो पहले थोड़ा शुरू करन, बच्चा वड्डा है ना तो पाइया पहले शुरू कर लेना, छोटा है जाते पाते शुरू कर लेना, 8 दिन तक नहीं पाना,
जो 8-10 दिन गुजर जाने बच्चे लग जाने उदो सुखा थोड़ा अद्धा अद्धा किलो फी बच्चे होना चाहिए यानी कि 50 बच्चे ते 25 किलो तांबी विच पा के हर चीज ला के तीन चीजा ठीक हो 25 किलो तीन चीजा करनी ने तांबी विच लाख उते थोड़ा मारना जिवें चोकर दा मारी दा ठीक हो गया ठीक है ना पेंग नहीं पाना सुखा पूरे थोड़ा मार देना सही है ठीक है फिर 15 दिन पावन ते बच्चे 10 दिन के सानू खुराक रियाज दी दसी हुई ले जी मलक मीन भाई आपका सवाल का ते कोई कने फाणा मुंडा पाओ ते इंजी ते इंजी जो मर्जी आकन हर चीज बकरी पालन पंजा डंगरा नो भी पालन ते पंजा डंगरा नो ये पालन मेरे वाले दसी तजुर्बा आप कर लन सही अच्छा एक दोस्त है जिनका नाम है मुस्तजार शेर जी साडा भाई दुकान पर अच्छा ये जनाब क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कंफर्म गबन जोटियां चाहिए हो तो मिल सकती है नहीं नहीं गबन कन्फर्म नहीं गबन मैं कभी ना चेक कराया ना चेक करा के दे सही नसीब अपना अपना नसीब अपना अपना जी ठीक हो गया अच्छा एक दोस्त ने जनाब राजा नदीम भाई कह रहे हैं कि कश्मीर तक का किराया कितना होता है शेखपुरा से जरा ये भी जनाब जो पंजी डंगर लगेगा ना पंजी डंगर अच्छा जी अद्धा किराया मैं देंगा ठीक है तो बकाया किराया ये ना वो 24-25 हज़ार लग जाएगा 23-25 ले जी राजा नदीम भाई आपका सवाल भी क्लियर हो गया जर्सी आतिफ अली जी जो पूछ रहे हैं जर्सी बछिया का क्या रेट है मिल जाएंगी नहीं नहीं जर्सी साहिवाल माल मिलेगा विलायती माल उन्हें विलायती तो साहिवाल एक क्रास मंगन के ना वो देंगा फ्रीज उन्हें भी कटन गया मेरी बछिया नाल रख के देख लेना ठीक हो गया विलायती साहिवाल क्रास देंगे मोटे थाना वाली अच्छा रियाज भाई एक दोस्त है एहसान इलाही ये क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रियाज भाई से पूछे आपके जानवरों में मिनी चूटियां ये साडा भाई उन्होंने मैंने फोन भी किया जे मेरा देना दा अच्छा जी मिनियां चूटियां बिल्कुल मिनियां कदी थोड़ियां मंगदा कि 10,000 भी मंगेगा सारीयां मिनियां होंगी 10,000 मंगेगा मिनियां ही होंगी नहीं सारीयां मिनियां नाम छड़ जान मिनियां ही होंगी इंज करो एक मिनट मिनियां चूटियां दे बालियां जेड़े दोस्त ने जाना उन्होंने दस भी दे की चीज होंगी मिनी चूटी छोटी टेलियां होंदी सिंगल दे ने मैं सारा उन्होंने पता है अच्छा हां जी दोस्त ने मिनियां समझ ने मैं डंगा थोड़े रखने पूरी वाम ने रखे ने माशाल्लाह जी कई नवे नवे बंदे ना तुम्हें नहीं पता नहीं नवे नहीं साडे रब्ता अल्लाह माफ कर व्हाट्सएप ते करे मिनी सिंगल दा डंगर दा अच्छा थल्ले चप्पे सिंह होंदे ने करमा के बड़े कह गए ने कि दरियाओ पार सौदा कर लो फायदा ही होएगा राफे खां भाई है ये कह रहे हैं कि भाई जान एक कट्टा अगर चाहिए हो तो सिर्फ शौक के लिए मिल जाएगा नहीं जी नहीं एक कट्टा नहीं नहीं कट्टा नहीं छोटी छोटी मेरे को मिल जाएगी वो फौरन मेरे कट्टा देख मिलेगा ना मेरे को मौके तो होता नहीं ना छोटी काफी ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जाहिद खां भाई है ये पूछ रहे हैं कि कुर्बानी पे सेल करने के वास्ते जानवर लेने हैं कब रियाज भाई से खरीदने चाहिए अभी खरीदने चाहिए के लिए तैयार अभी 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 आगे से फिर तेज हो जाएगा ना अच्छा अच्छा अभी हाँ, तेज है। अभी तो रेट ठीक है ना जी जी ठीक है आगे तो जाएगा तेज हो जाएगा अपनी 250 ही नहीं देंगे ਅਸੀਂ ਫਿਰ 350 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 325 ਕਿਲੋ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਨ ਮਗਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆੜੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਕੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਫਰਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਆ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਣ ਪਰ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਜਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਦੇ ਭਰਨੇ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾਵੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਦੇ ਭਰਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ये भी बड़ी जबरदस्त बात की जिन्हें डंगर करना बनावे उन्हें डंगर ग्रोथ ही नहीं करता उन्हें अपना एक मकान बनाना होता डंगर ने यानी अपना फिक्स करना होता फार्म में अपने फिक्स कर जितने भी आए उन्हें अपना घर बनाना है फिर डंगर ने ग्रोथ करनी शुरू करनी 15 दिन कर जाए 10 दिन कर घर जिन्हें डंगर ना बने ग्रोथ नहीं डंगर करता डंगर कुरबानी का माल लेना साढ़े भरावे ने मर्जी अपनी करनी पर हूं लैन गए हद तो ज्यादा फायदा होगा रेट सही है रेट ही पहना अब तो ज्यादा फायदा हो जरा हूं 70 का बच्चा लेना वे ना भी ना वो 140 का बिक जाना 140 का बिक 70 वाला बच्चा ना ही वे उम्मीद उम्मीद रहे थे मगर बकाया 8 महीने साहब आधे ना ज्यादा डंगर बच जाना 2 हिस्से ज्यादा बचत होगी ठीक है 2 हिस्से बचत होगी एक हिस्सा रकम होगा कुरबानी वाले बच्चे ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਡਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ आपकी तमाम जो बातें जो पूछनी चाहिए थी वो हमने पूछी हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करें
तो रियाज भाई और आप मुझे अपना बलोच करते हैं इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़रा नारा ला दो रियाज भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद।